नमस्कार। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 5, जीवन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लाइफ। देखिए इसमें क्या है, यहां से हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर जो जीव उत्पन्न हुए वो उत्पन्न कैसे हुए, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, सर्वप्रथम कहां से जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इससे पहले हम एक बात ये जान लेते हैं कि जीव है क्या। क्या पृथ्वी पर जो जितने प्रकार के पृथ्वी पर जो जीव हैं और अन्य चीज हैं, जो अन्य जैसे पहाड़ है या पेड़ है या कोई और प्रकार की चीज है, जैसे कोई आपके आप आसपास आप कोई टेबल देख रहे हैं, ठीक है, आप आपके सामने स्क्रीन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, इनमें क्या अंतर है, ये इन में हम क्या किस कोई संबंध बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे और पत्थर या ईंट, इसमें क्या कोई संबंध है, या फिर पेड़ पौधे और मनुष्य या अन्य जीव, इनमें कोई संबंध है क्या, कोई इनमें कोरिलेशन है, कोई कोई आपस में कोई संबंध है या नहीं, तो उसको बनाते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड है, इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं और वस्तुएं हैं, उनको हमने दो भागों में बटा हुआ है, सजीव एवं निर्जीव। कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में, एक तो सजीव और निर्जीव। देखिए अगर हम इनका विच्छेद करें, सजीव और निर्जीव, ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जीव का मतलब है जीवन, जीव का मतलब है यहां पर हम जीवन से अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ सामान्य अर्थ हम सामान्यतः याद करने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। जीवन का अर्थ है, जीव का अर्थ है जीवन। सजीव मतलब जिसमें जीवन हो, जो जीवित हो, जो जीवित की जो क्रियाएं हैं वो हम बांटेंगे अभी, उस तरह की जो क्रियाएं कर रहा हो उसे हम सजीव कहेंगे, और जो जीवित की क्रियाएं नहीं कर रहा होगा उसे हम निर्जीव कहेंगे। तो संपूर्ण हमारी जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, इस पर हमने सभी पदार्थों को, सभी वस्तुओं को हमने दो भागों में बांट लिया, एक सजीव और एक निर्जीव। अब हम बात करें कि इनमें अंतर क्या होगा, हम किसको सजीव कहेंगे और किसको निर्जीव कहेंगे। तो देखो सबसे छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, उनको आप ध्यान रखें और उसके बाद आपके सारे अंतर आपको पता चल जाएंगे। तो वह जीव या वह वस्तुएं जो एक तो प्रजनन करती हों, ठीक है, दूसरी बात उनमें श्वसन होता हो और वो गमन या वृद्धि करती हो, ठीक है, प्रजनन, श्वसन, गमन या वृद्धि, और नेक्स्ट है जो भोजन ग्रहण करती हो, ये जो चार चीज जिनके अंदर होंगी उन्हें हम कहेंगे सजीव। इसके बाद कुछ और मुख्य मुख्य बातें और भी हैं, कुछ इंटरनल बात है, लेकिन मेन जो आउटर रूप से हम देखें, जो बाहरी रूप से हम देखेंगे, पहले प्रजनन, श्वसन और गमन, ये तीन चीज तो मुख्य मुख्य है ही, और चौथी चीज हम जोड़ा है उसमें तो इन्हीं के साथ भोजन। जिनमें ये पाया जाएगा उन्हें हम सजीव कहेंगे, या इंग्लिश में कहेंगे हम लिविंग। क्या कहेंगे उन्हें हम, सजीव, ठीक है। और जिनमें ये चारों नहीं होंगी उन्हें हम कहेंगे नॉन लिविंग, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, जो नहीं होंगी उन्हें कहेंगे हम निर्जीव या नॉन। और ये बात आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, ये बात आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, आप लगभग तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से, ठीक है ना, चौथी क्लास से आप लगातार इस तरह की बातें सीखते चले आ रहे हो, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, किसके अंदर जीवन होगा उसे क्या कहेंगे, जिसमें जीवन नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा, सजीव एवं निर्जीव में अंतर, तो आप लगाएं।
सबसे पहले बात करेंगे हम लक्षण, एक साइड हम लक्षण ले लेंगे, एक बीच में हम एक साइड ले लेंगे हम सजीव और एक साइड ले लेंगे निर्जीव। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं लक्षण, यहां मैं लक्षण लिया, इधर लूंगा मैं सजीव और आगे लूंगा निर्जीव। लक्षण, सजीव और निर्जीव। तो एक एक लक्षण पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात पहला लक्षण ले रहा हूं मैं प्रजनन। देखिए हमने भी पढ़ा कि जिनमें जनन होगा उन्हीं को सजीव कहेंगे हम, तो सजीवों में जनन पाया जाता है या सजीव जनन करते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं इनको, क्योंकि यहां पर जगह है हमारे पास इसलिए। देखो सजीव जनन करते हैं, जनन करते हैं और जनन करके अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं जिससे जीवन की उत्तर जीविता बनी रहती है। मतलब वो जीव की उत्तर जीविता, जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी बनती जाती है और वो जीव पृथ्वी पर बना रहता है। अगर जनन ना हो तो वो जीव वहीं खत्म हो जाए, उसकी जो आगे की जो संतति है वो आए ना आए, मान लो वो अगर ना आए तो वो जीव वहीं खत्म हो जाएगा, तो उसकी उत्तर जीविता खत्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आप लिखें कि सजीव जनन करते हैं, सजीव में लिख रहा हूं मैं ये जनन करते हैं तथा अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। जिससे जीवन की उत्तर जीविता बनी रहती है तथा अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं जिससे जीवों की उत्तर जीविता बनी रहती है। निर्जीव जनन नहीं करते, ठीक है। यहां अगर बात करें तो ये जनन नहीं करते, निर्जीव जनन नहीं करते। पहला पॉइंट आप प्रजनन का ही ले लें और इसको नोट करें जल्दी से। नंबर दो है, प्रजनन के बाद हमने बात करी थी श्वसन की। तो सजीवों में श्वसन पाया जाता है और श्वसन के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उस जीव की दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए काम में आती है, ठीक है। इनमें श्वसन पाया जाता है श्वसन है क्यों उसकी बात लिख रहे हैं। श्वसन से भोजन का ऑक्सीकरण या पाचन जिसको हम कहते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये श्वसन नहीं करते, जनन श्वसन और नंबर तीन है गमन। गमन होता है
स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव का पहुंचना। अब यहां कुछ जीव ऐसे होंगे जो स्थान परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था तो वहां इसके साथ एक चीज और लिखी थी मैंने, वृद्धि, गमन के साथ साथ ग्रोथ भी लिखा था मैंने, तो मूवमेंट होता है और वृद्धि होती है ग्रोथ। ठीक है, तो ये गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पहुंचना गमन कहलाता है। इनमें गमनांक पाए जाते हैं, इनमें गमनांक पाए जाते हैं, मतलब ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये गमन करते हैं। ठीक है, इनमें गमनांग गमनांग पाए जाते हैं ना, अंग नहीं, ऐसे अंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको लेकर के जाते हैं और ये गमन नहीं कर सकते या करते, इनमें कोई किसी प्रकार का गमन नहीं है। निर्जीव पदार्थ एक जगह पड़ी रहती है, निर्जीव वस्तु जैसे चेयर है, वो चेयर एक जगह रखी रहेगी जब तक आप उसको उठा के नहीं ले जाएंगे, अपने आप गमन नहीं कर सकती वो, गमन आप उसको उठा के ले जाएंगे तो उसने गमन नहीं किया है। ठीक, किसी सजीव के साथ में जाकर के वो आगे बढ़ी है, या कोई पत्थर का टुकड़ा है या कोई बड़ा पत्थर है वो पड़ा हुआ एक जगह, तो वहीं रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल ना अप्लाई हो रहा हो, बल ना लग रहा। ठीक है, अगला लिख लें आप गमन, नंबर चार वृद्धि एवं विकास। इनमें विकास पाया जाता है, डेवलपमेंट, और वृद्धि जंतुओं में एक निश्चित उम्र तक वृद्धि होती है लेकिन पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है। ठीक है, जंतुओं में निश्चित उम्र तक तथा पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, इनमें विकास एवं वृद्धि नहीं होती। विकास एवं वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट पांच, कोशिका संगठन। कोशिका पाई जाती है तथा ऊतक व अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब ऊतक और अंग कोशिकाओं से मिलकर के, ऊतक और ऊतकों से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है।
तो ऊतक और अंग स्तर का संगठन कोशिकाओं का पाया जाता है, इनमें नहीं, निर्जीव में नहीं। इसलिए आप कोशिका पाई जाती है, यहां पर कोशिका संगठन नहीं होता। कोशिका संगठन नहीं पाया जाता। नंबर छह, पोषण। अब पोषण के बारे में आप खुद बताएंगे, आप लिखेंगे कहां पोषण होगा और कहां पोषण नहीं होगा। अब जब इधर पोषण होता है तो पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है और जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, वो आप अपने लेवल पे लिखेंगे। तो आप लिखिए, लिखने के लिए समय मिल रहा है आपको 2 मिनट का। मिलते हैं फिर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। पोषण, देखिए यहां जंतुओं में, सजीवों में पोषण पाया जाता है। सभी जानते हैं हम भी पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण मतलब भोजन है ना, पाया जाता है। अब इसमें दो हो गए, एक तो पादप, तो पादपों में तो क्या होता है, स्वयं अपने आप खुद ही बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप तो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा देख लो आप, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और जंतुओं में, जंतु क्या है, जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। मतलब एक तो स्वपोषी हो गया और एक परपोषी हो गया, पेड़ पौधों पर निर्भर। अब एक चेन बन जाती है, जरूरी नहीं है हर एक पौधा, हर एक जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर हो, कुछ शाकाहारी होंगे कुछ मांसाहारी, वो चेन बनेगी, फिर वो आगे की बात हो जाएगी, है ना। जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर, यहां पर किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं पाया जाएगा। उत्सर्जन, देखिए जंतुओं में उत्सर्जन पाया जाता है। उत्सर्जन क्या है, अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, अवांछित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना
उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यहां पर उत्सर्जन नहीं पाया जाएगा। इसमें उत्सर्जन के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। और नंबर आठ, उपापचय। उपापचय होता है उपचय प्लस अपचय। ठीक है, इससे क्या शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और अन्य आवश्यक जो मिनरल्स जो पदार्थ हैं शरीर के लिए आवश्यक होती है वो सारी इनसे निर्माण होता है उपापचय के द्वारा। ठीक है, यह उपापचय नहीं पाया जाता, सीधी सी बात नहीं पाया जाता। और नंबर नौ है प्रतिक्रिया, इनमें प्रतिक्रिया पाई जाती है किसी भी एक्शन के प्रति, है ना, रिएक्शन। यहां प्रतिक्रिया पाई जाती है, यहां पर प्रतिक्रिया नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। टेबल को कितना ही लात मारो वो वापस से उलट के लात नहीं मारेगी, है ना। तो ये है प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। कर लें आप जल्दी से। ये तो रहा सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव में क्या क्या अलग विशेषताएं होती हैं, निर्जीव में वो चीज होती है या नहीं होती है। तो हमने सारी चीज जो पढ़ी है वो निर्जीव में कुछ भी नहीं है, सारी चीज सजीवों में ही है। जैसे सबसे पहले जनन, ठीक है, फिर गमन, गमन हो गया, फिर जनन, जनन के बाद गमन, गमन के बाद क्या रहा, भोजन, पोषण, ठीक है, पोषण के बाद बताइए पीछे क्या देख रहे हो, इधर उधर देखने की बारी नहीं है अभी, सारा कर लिया हमने। अलग अलग पढ़े थे, अंतर में देखो, प्रजनन, ठीक है, पोषण, वृद्धि, वृद्धि और विकास, कोशिका स्तर, कोशिका संगठन, अनुक्रिया, उत्सर्जन, ये सारी चीज हमने पढ़ी। तो सबके सब किसमें थे, सजीव में, निर्जीव में नहीं थे। अब आती है जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। जीवन की उत्पत्ति के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, और हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सबसे पहले सिद्धांत से ही, वो है स्वतः जनन का सिद्धांत। सबसे पहला है स्वतः जनन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, हम एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे ना ध्यान से, और जिससे आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और ये भी ये अवधारणाएं हैं, है ना, इनके कुछ प्रमाण भी बनाए गए, प्रयोग भी किए गए, एक्सपेरिमेंट जो किए गए, जो प्रयोग किए गए वो प्रयोग सफल भी रहे, उनके परिणाम भी आए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से। तो ठीक है ना, कुछ प्रयोगों द्वारा इनको सिद्ध करने की कोशिश की गई, कुछ सिद्ध भी हुए और कुछ फेल भी हुए। तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहला सिद्धांत है, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए। सबसे पहली लाइन तो मैं यही लिख रहा हूं कि यहां अलग अलग सिद्धांत आएंगे, इसलिए सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए। ठीक है, और जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो जाएगा उसको हम सही मान लेंगे, तो उसका हम प्रयोग भी पढ़ लेंगे साथ में। तो सबसे पहला सिद्धांत है स्वतः जनन। देखिए, ये स्वतः जनन क्या कहता है कि सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणें पृथ्वी से पृथ्वी सतह से टकराई, सूर्य की किरणों के पृथ्वी सतह से टकराने के कारण पृथ्वी
पर जहां नदियां और समुद्र के किनारे थे वहां की मिट्टी गर्म हुई और उस मिट्टी के उस कीचड़ के गर्म होने से जीव की उत्पत्ति स्वतः ही हो गई। यह कहता है स्वतःधारण का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके कोई प्रमाण नहीं थे इसलिए सिद्धांत को छोड़ना पड़ा, कोई प्रमाण इसके नहीं मिले थे। ठीक है, देखो पुराने समय में धारणा थी कि सूर्य की किरणों से नदी के कीचड़ के गर्म होने से सांप मेंढक टिड्डे आदि जैसे जीव उत्पन्न हुए। लिखे आप पुराने समय में धारणा थी कि सूर्य की किरणों से नदी के कीचड़ के गर्म होने से मेंढक सांप आदि जीव स्वतः ही उत्पन्न हो गए। अगर धारणा है, ठीक है ना, एक धारणा थी पहले कि ऐसे जीव उत्पन्न हो गए, लेकिन कोई प्रैक्टिकल इसका प्रयोग अपरागिक प्रमाण कुछ मिला नहीं, इसलिए इसको यही ड्रॉप कर दिया गया, पुरानी धारणा यही छोड़ दिया गया, इसको आगे अध्ययन इस पर कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ाई गई। अब इसके पक्ष में एक वैज्ञानिक आए थे वॉन हेलमेंट, इन्होंने एक प्रयोग किया। अब इनका प्रयोग आप ध्यान से समझना, इन्होंने क्या प्रयोग किया, एक पसीने से भीगी हुई एक गंदी सी शर्ट ली और उसको गेहूं के भूसे के साथ उसको रख दिया, गेहूं का जो आटे का जो चुग्गा होता है ना वो और कुछ भूसा कचरा ऐसे उसके साथ उसको रख के अंधेरे जगह पर, अंधेरे कमरे में उसको रख दिया अंधेरी जगह पर, और 21 दिन के बाद इन्होंने देखा कि वहां चूहे उत्पन्न हो गए। तो इनका प्रयोग था, अब इन्होंने तो प्रयोग किया और वहां चूहे उत्पन्न हुए, अब लेकिन उसका कारण यह नहीं बता पाए कि चूहे आए कहां से। ठीक है ना, तो उसका इनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन इन्होंने प्रयोग तो किया था। देखो इन्होंने पसीने से भीगी हुई शर्ट पसीने से भीगी हुई कमीज एवं गेहूं के भूसे को एक साथ रखा तथा 21 दिन बाद 21 दिन बाद देखा कि इसमें चूहे उत्पन्न हो गए। यह है स्वतःधारण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है कॉस्मोजोइक सिद्धांत। वो कॉस्मोजोइक सिद्धांत क्या होता है, ये आपने लिख लिया होगा, सिंपल समझना है, हमें नाम याद रखना है, स्वतःधारण और वॉल हैंडमेंट का प्रयोग क्या था वो हमें ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा इसमें समझने की कोई बात नहीं है। कॉस्मोजोइक सिद्धांत है वो ये कहता है कि अंतरिक्ष के किसी ग्रह से पृथ्वी पर कुछ ऐसे बीजाणुओं की बौछार हुई जिनसे नए जीव की उत्पत्ति हुई। यह होता है, यह है कॉस्मोजोइक सिद्धांत।
और इसके आगे के और भी कई सिद्धांत हैं। सबसे जो लेटेस्ट सिद्धांत आएगा ऑपेरॉन थ्योरी आएगी, उसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसका प्रयोग भी पढ़ेंगे, मिलर का प्रयोग, पूरी चीज समझेंगे, उसके वीडियो द्वारा भी समझेंगे हम, लेकिन वो अगली क्लासेज में। तो आज तक का यही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।